भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बार फिर कर्मचारी यूनियन चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। बता दें कि जुलाई माह के अंत में यूनियन के चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनियन के नेता सभी विभागों में जाकर कर्मचारियों से संपर्क साध रहे हैं। बीते चुनाव में मान्यता प्राप्त इंटक यूनियन के नेता भी इस बार फिर से मान्यता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के बीच अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। वहीं केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने चुनाव को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय श्रम आयुक्त के रायपुर में भिलाई इस्पात संयंत्र के अफसरों की 23 जून को एक बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों को भी बुलाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र में छोटे बड़े कुल 14 यूनियन सक्रिय हैं, जो समय समय पर भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन से कर्मचारियों के हितों के लिए मांग करते रहते हैं। यूनियनों का जो विषय है वही विषय यहाँ भी रहेगा। विषय यह है कि मजदूरों का हित का, पब्लिक सेक्टर है उसका निजीकरण के खिलाफ में रहेगा। मजदूरों के तमाम जो हित है, वेतन समझौता से लेकर उनके अधिकार हैं, सुरक्षा का मामले, सब बातें रहती हैं। यही प्रमुख है। जो कार्य यूनियनों का वही कार्य चुनाव के अंदर में भी वही कार्य रहेंगे।